तो आज हम 16 स्टेट्स के अंदर कवर करने वाले हैं, 16 स्टेट के अंदर एंटर करने वाले हैं, और हमारी स्कूटर जो है ना 15,000 किलोमीटर जो है चल चुकी है इस ऑल इंडिया राइड की। और ऐसे ही कल रात को आते आते जो है ना पहली बार जो है ना मुझे असम के अंदर जो है ना पुलिस ने रोका है और डॉक्यूमेंट पूछा। थैंक यू। ओके आप देख के जाना। हाँ, तो भाई आज हम अपनी रात को जो ना स्टे हमने टेंट में किया था, रात की वीडियो की जो ना लास्ट वीडियो का मैंने एंडिंग भी नहीं करवाया सही से। अभी यहाँ से ना थोड़े आगे एक ये है ब्रेकफास्ट के लिए, तो ब्रेकफास्ट करके ही निकल जाएंगे यहाँ से। और अभी जो ना टाइम हो रहा है एग्जैक्ट 9:00 हो चुके हैं। अरे 9:00 इंडियन टाइम है, पता नहीं इसमें डबल टाइम चलता है ना, तो एक या 9:07 हो चुका है। मुझे 20 या 30 किलोमीटर तक जो है ना अभी 2 लाइन हाईवे मिलेगा, उसके बाद जो है ना 4 लाइन हाईवे। आज कोशिश करेंगे कि हम कहीं रुकेंगे नहीं ज़्यादा, क्योंकि आज हमें बहुत लंबा जाना है, तकरीबन जो है ना 356 किलोमीटर समथिंग है यहाँ से गुवाहाटी। और गुवाहाटी में जिस लोकेशन में जाना है ना, शायद वो पहले मेरे लोकेशन से पहले ही आएगा, या तो फिर मुझे एक्स्ट्रा वो ऐड कर ये करने होंगे, कुछ भी आइडिया नहीं है। और कल जो मेरे दोस्त थे ना वो मेरे साथ अभी आ रहे हैं थोड़े आगे तक ब्रेकफास्ट के लिए ना, थोड़ा स्पीड रखेंगे। तो भाई चलिए, यहाँ पे हमने हल्का सा नाश्ता किया भाई ना, वो आ रहे मेरे साथ थोड़ा और भी आगे। यहाँ से थोड़ा आगे जाने के बाद में टी स्ट्रीट पूरा शुरू हो जाएगा, टी जहाँ वेस्ट बंगाल में आज जो है ना पूरे पेट्रोल पंप बंद है, तो लोकल पेट्रोल जो है ना सेल कर रहे हैं वो बहुत ही ये चल रहा है। मैंने कल रात को ही जो है ना जहाँ पे पेट्रोल पंप के पास मैंने स्टे किया था, तो उन्होंने कहा कि कल पेट्रोल पंप बंद हो जाएंगे तो आप पेट्रोल पहले ही लेके रखना, तो मैंने वहीं से जो है ना अपने कैन में फिल करके रखा था, तो अभी मैंने वहीं टैंक में डाला है शुरू से, और अभी मैं चला रहा हूँ। और इस बार भी इस पेट्रोल में जो ना हम आराम से असम के अंदर एंटर करेंगे, और असम में शायद पेट्रोल पंप ओपन रहेंगे, इसी वेस्ट बंगाल में है ना पेट्रोल पंप बंद आज। तो भाई सुना था कि यहाँ पे हाथी मिलते हैं इस दूर के, कि आप जाओगे तो आपको हाथी मिल सकते हैं वहाँ पे ज़्यादा करके, क्योंकि हाईवे ये पालतू हाथी है दोनों यहाँ के। वेलकम टू बंगाल। थैंक यू ब्रदर, कैसे हो? चलो वहाँ पे लगा देते ना। ओके ठीक, थोड़ी देर बैठते हैं यहाँ पे और भाई से बात करके जो है यहाँ से हम निकल जाएंगे। तो भाई यहाँ पे मैं रुका था, ये मेरा पहला स्टॉप है आज का, कुछ 80 किलोमीटर्स के बाद में मैं रुका हूँ ना। यहाँ से जो है ना अभी असम जो है ना सिर्फ 20 या 30 किलोमीटर्स का जो है ना ये है रोड है, उसके बाद में ना असम शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे अपने एक दोस्त के साथ वहाँ पे हम रुके हुए बात करने के लिए, तो आपने जो देखा वीडियो, और ये पहला ब्रेक रहा हमारा। तो आज हम 16 स्टेट्स के अंदर कवर करने वाले हैं, 16 स्टेट के अंदर एंटर करने वाले हैं, और हमारी स्कूटर जो है ना 15,000 किलोमीटर जो है चल चुकी है इस ऑल इंडिया राइड की। और इनसे बात करने के बाद जो ना दोस्त से बहुत कुछ ऐसे जगह है जो कि यहाँ पर है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि और भी एक्साइटेड हूँ प्लेसेस को एक्सप्लोर करने के अंदर नॉर्थ ईस्ट में। तो आज किसी भी तरह ना गुवाहाटी हम टच करेंगे, अभी जो टाइम हो रहा है 1:05, तो बिना टाइम वेस्ट करे ना यहाँ से निकलते हैं। चलो ब्रो भाई। हाँ ठीक है, ओके भाई चलिए आराम से आइए। ओके चलो ब्रो भाई। बॉर्डर जो है ना यहाँ से सिर्फ 20 किलोमीटर से, आपने मैप तो नहीं लगाया क्योंकि एक स्टेट रूट जाएगा अभी 130 किलोमीटर जो है ना स्टेट कंटिन्यूस है, मोबाइल तब तक चार्ज भी हो जाएगा अपना। और बॉर्डर के बाद में ना एक थोड़ा सा एक ब्रेक लेंगे, और यहाँ
यहाँ से कब तकरीबन जो है ना 260 या 280 किलोमीटर है। भाई फाइनली हमारे जो है ना 15,000 किलोमीटर जो है ना कंप्लीट हो चुके हैं और राइट नाउ मैं हूँ असम के अंदर जो कि हमारा 16th स्टेट है ऑल इंडिया राइड का। और यहाँ पे रुके हैं लंच के लिए ना, तो असमी लंच यहाँ पे करेंगे और यहाँ से आगे निकल जाएंगे। एक प्लेस का नाम है यार, मुझे प्लेसेस के नाम जो ना मैं बहुत जल्दी भूल जाता हूँ। एक भाई ने अभी बताया था, निको भाई है जिनको, उन्होंने मुझे बताया एक प्लेस है वहाँ पर हम मिलेंगे, हो सकता है उसके आगे वो कहीं वहाँ से मिलेंगे। वहाँ से जो है ना 90 या 80 किलोमीटर्स है गुवाहाटी, और पहुँचते पहुँचते ना आज मुझे लेट हो जाएगा, तकरीबन 8 या 9 बजे हो जाएंगे गुवाहाटी पहुँचते पहुँचते। आज चलाएंगे हम थोड़ा रात को भी ना, तो अभी मैं भी स्पीड जो है ना गोवा से निकलने के बाद ना 50 की स्पीड में मैंने बहुत कम ही चलाया है, तो आज मैं थोड़ा स्पीड में चला रहा हूँ 50-60 की स्पीड में। लंच करते हैं और यहाँ से जल्द निकलते हैं, आज बहुत खुशी हो रही है। चलो भाई अपना लंच भी हो चुका है और यहाँ से 220 किलोमीटर दिखा रहा है ना, अभी हमें थोड़ा चलाते हैं गाड़ी। चलो भाई निकलते हैं ना। ओके थैंक यू ब्रदर। जैसे नॉर्थ ईस्ट में मैं यहाँ पे आ रहा हूँ वेस्ट बंगाल से होते हुए, मुझे इनके झाड़ जो है ना बहुत ही ज़्यादा मिले, बेर हमारे लैंग्वेज में इसको कहेंगे, बोरा। ये थोड़े कच्चे हैं, कुछ जगह पे पके पके भी हैं, बहुत बड़ा साइज है इसका। हाँ एक पका हुआ है ना, ये अभी दिख रहा है, देखो मुझे निकाल देते हैं यहाँ से ना इसको, इसको नीचे यहाँ पे, यहाँ से ये रहा एक, ये तो बिल्कुल ख़राब हुआ है। बस यहाँ पे मैं रुका हुआ था क्योंकि अभी जो ना टाइम हो रहा है 4:40 और यहाँ पे केरला, ये गुवाहाटी नहीं सिलचोर बोल के एक प्लेस है वहाँ का है, वहाँ पे मेरा जाने का इरादा है सिलचोर। और यहाँ पे जो ना हल्का सा अभी सनसेट होने वाला है और टाइम देखना, यहाँ पे सनसेट जो ना बहुत ही जल्दी हो जाता है ना। यहाँ से जो ना अभी है गुवाहाटी जो कि वो 125 किलोमीटर, और पहुँचते पहुँचते जो ना 7-7:30 बजे हो जाएंगे। भाई बिना टाइम वेस्ट करे यहाँ पे निकलते हैं क्योंकि ये सेकंड ब्रेक था अपना, जहाँ पे मैं रुका हुआ था ना वहाँ से जो ना 100 किलोमीटर के बाद मैंने ब्रेक लिया। ये अभी अब एक निकलेंगे तो सीधा ब्रह्मपुत्र एक रिवर आएगी, उसके बाद में ये ब्रेक लेंगे ना, या तो फ्यूल के लिए मुझे रुकना होगा शायद, पड़ता होगा। भाई 125 किलोमीटर है यहाँ से, नहीं सॉरी 121 किलोमीटर, तो यहाँ पे रुक के फ़ायदा नहीं है, सीधा हम यहाँ पे जाके जो है ना स्टे करेंगे ना। चलो ब्रदर निकलते हैं। ओके तो भाई बहुत ही लंबी ट्रैफिक है ना ये,
বর্তমান মই আছো জালুকবাৰীত আৰু আজি বহুত ভাল লাগি আছে মানে মানুহে বহুত ধৰণৰ ৰাইড কৰিছে সাইকেল ৰাইড কৰিছে বাইক ৰাইড কৰিছে বাট আজি অকণমান বেলেগ কিবা দেখা পাব আপোনালোকে এইফালে এখন চাওক স্কুটাৰ আৰু ইফালে আছে নাবিদ ভাই হেল্ল' হেল্ল' ৱেলকাম টু গুৱাহাটী থেংক ইউ ব্ৰ থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ ৱেলকাম ভাই স্কুটাৰ লৈ কেনে অল ইণ্ডিয়া ৰাইড কৰি আছে आज जो है ना वीडियो का जो ना दूसरा दिन है और कल रात को हम पहुंच चुके थे गुवाहाटी और मैंने जो ना अपनी आरसी जो ना पुरानी आरसी जो थी मेरी 2022 में जो ना मेरी एफसी लैब्स हुई थी मैंने रिन्यू किया थी आरसी तो वही पुरानी वाली आरसी जो ना मेरे पास थी रिन्यू की हुई नई आरसी का जो ना फोटो है जेरॉक्स कुछ भी नहीं था मेरे पास और ऐसे ही कल रात को आते आते जो ना पहली बार जो ना मुझे असम के अंदर जो ना पुलिस ने रोका और डॉक्यूमेंट पूछा तो डॉक्यूमेंट पूछने तो मैंने उसको डॉक्यूमेंट निकाल के दिया तो उन्होंने बोला यार यहाँ तो एफसी लैब्स है इसके अंदर आप फिर कैसे चला रहे हो मैंने बताया यार मैंने स्कूटर ये किया फिर मुझे पता चला कि मैंने अभी तक नई आरसी जो ना मैंने अपने पास कैरी नहीं किया है और फिर उनको दिखा दिया मैंने कि यार ये आरसी ऐसे ऐसे है थोड़ा टाइम दीजिए मैं घर पे फ़ोन करके जो ना ये फ़ोटो ले लेता हूँ उसका तो फिर पुलिस वालों ने कहा कि चले जाओ कोई बात नहीं और ऐसे करके हम गुवाहाटी कल पहुँच चुके थे बहुत ही अलग ही एक्सपीरियंस रहा 4 महीने हो गए मैं घूमता रहा अपनी वही फ़ोटो लेकर कहीं पे मुझे रोका नहीं बस असम में एंटर कर दे जो ना पहली बार मुझे पुलिस ने रोका और इसी तरह पता चला कि अपने पास पुराने आरसी लेके अब तक हम घूम रहे हैं और मेरे पास एक फ़ोटो भी है ये करके जो ना अभी मैं उसका बना दूंगा फ़ोटो आरसी का एक लेके रखना है ताकि कहीं पर अगर पुलिस पकड़ता है तो वो मुझे दिखा के जो ना जा सकूँ मैं आगे और इस वीडियो को जो है यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो करना लाइक और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो के अंदर क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं। तो मिलते हैं किसी बढ़िया ऐसी वीडियो के अंदर।